नमस्कार साथियों, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य रहेंगे कन्या राशि में, और यहाँ पर तीन राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर बढ़िया नहीं है। मान सम्मान में हानि, धन में हानि और कई प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियां शरीर में जन्म लेने की संभावना स्पष्ट है। सूर्य जिन राशियों से चौथे स्थान में जाते हैं उनका सुख खत्म कर देते हैं, सुख चैन खत्म कर देते हैं, चाहे कितने पैसे वाला आदमी है लेकिन शांति भंग हो जाती है। सूर्य जिन राशियों से आठवें स्थान में जाते हैं उनका दुर्घटना कारक योग बनता है, और सूर्य जिस राशि से 12वें स्थान में जाते हैं बिना मतलब के खर्चे पत्नी से झगड़ा बनता है। तो तीन राशियां कौन सी हैं जिन्हें 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सावधानी बरतनी है, और कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके काफ़ी हद तक अपने आप को संरक्षित किया जा सकता है, आज की वीडियो का हमारा यही विषय है। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ तीन राशि कौन कौन सी है और उपाय क्या है। पहली राशि है यहाँ पर कर्क राशि। कर्क से कर्क सिंह कन्या तुला, चौथे भाव में सूर्य रहेंगे, भूमि का विवाद, मान सम्मान में हानि, बने बनाए काम का बिगड़ना और सुख चैन का खराब होना, इतनी चीज़ें आपको अगले 26-27 दिन, जो कि आज 21 तारीख है, इसका ध्यान रखना होगा 17 अक्टूबर तक। बहुत सावधानी से अपना टाइम बिताएं। अगर आपके आसपास का व्यक्ति कोई गड़बड़ करता है आपके साथ तो इसमें उसका दोष नहीं है भाई, आपके आसपास के आदमी का अगर व्यवहार खराब होता है आपके साथ तो इसमें उसका दोष नहीं है, ग्रह स्थिति ऐसी है, ठीक है। दूसरी राशि है यहाँ पर तुला। तुला से 12वें स्थान में रहेंगे तो लंबी यात्राओं में धन हानि के योग बनेंगे, बिना मतलब के खर्चे होंगे और टेंशन बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा नुकसान जिस राशि को होने वाला है वह है कुंभ राशि। कुंभ से 8वें स्थान में सूर्य रहेंगे, अष्टम सदा कष्टम, अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह हो बहुत बढ़िया रिजल्ट तो उसके होते नहीं हैं, तो यहाँ पर आकस्मिक मान सम्मान में हानि, दुर्घटनाकारक झगड़े के योग बनेंगे, मारपीट भी हो सकती है, बड़ा विवाद है तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है कुंभ वालों को, आपके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकते हैं, बड़े षड्यंत्रों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो सावधानी बरते। उपाय की जहाँ तक बात है, भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दें और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से जन्म कुंडली में और जीवन में सूर्य से संबंधित समस्त प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। गोचर से संबंधित वीडियो लेकर भविष्य में भी मैं आता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।